नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र और आप देख रहे हैं यानी मेडिकल ब्लॉग्स, जहां पे मैं आपको स्वागत करता हूं। और आज हमारा प्यारा टॉपिक जो है वो है ब्लड पेशेंट सेफ्टी डे। ब्लड पेशेंट सेफ्टी डे क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या जरूरत पड़ा, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करूंगा और उसी के रिगार्डिंग कुछ एक पॉइंट हैं जिनको हम रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट के टाइम पे और उससे बाद में भी। तो लेट्स स्टार्ट। सिंपल गूगल क्रोम पे जाना है और वहां पे आपको HTTP और यहाँ पे सिंपल आपको एनी मेडिकल ब्लॉग ट्रेनिंग का आपको सर्च कर लेना है। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा ब्लॉग स्पॉट का। और जो हम बात कर रहे थे वो था ब्लड पेशेंट सेफ्टी डे के रिगार्डिंग। वैसे तो इसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं जिनको आप ले सकते हो, अर्न कर सकते हो, जिसके अलग अलग ब्लॉग्स यहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन आज हम ब्लड पेशेंट सेफ्टी डे के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ब्लड पेशेंट सेफ्टी लिख देना है। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो ये पर्टिकुलर ब्लॉग है और आपको सर्च कर लेना है, तो पर्टिकुलर ब्लॉग ऑटोमेटिकली सर्च होके आपको आ जाएगा, जो काफी इजी है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पहले हेडिंग है ब्लड पेशेंट सेफ्टी डे 2022 का। अब यहाँ पे एक सर्टिफिकेट है जिसको आपको लेना है, राइट। इसके लिए सिंपल सा आपको 3 स्टेप में आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको पूरा ब्लॉग पढ़ना पड़ेगा। तो पूरे ब्लॉग को पढ़ने के लिए इसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके करियर के लिए हेल्पफुल है, आपके प्रोफेशन के लिए हेल्पफुल है। 2022 का जो थीम है ब्लड पेशेंट सेफ्टी डे का वो है मेडिकेशन सेफ्टी, मेडिकेशन विदाउट हार्म। तो जैसे इन्होंने लिखा है ब्लड पेशेंट सेफ्टी डे पे, WHO की साइड से भी है, ऑब्जर्व एनुअली द सेप्टर जो ब्लड सेफ्टी डे है वो 17 सितंबर 2019 से मनाया जाता है। इट एम टू रेज द ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट द पेशेंट सेफ्टी एंड कॉल फॉर सॉलिडरिटी एंड यूनाइटेड एक्शन बाय द ऑल कंट्रीज एंड द इंटरनेशनल पार्टनर्स टू रिड्यूस पेशेंट हार्म। इनका सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि ये जो ब्लड पेशेंट सेफ्टी डे है वो 17 सितंबर 2019 से मनाया जाता है, जिसका मेन उद्देश्य जो है वो अवेयरनेस फैलाना है पेशेंट सेफ्टी के रिगार्डिंग और कॉल सॉलिडिटी यूनाइटेड एक्शन राइट कंट्री टू इंटरनेशनल पार्टनर और जो भी रिड्यूस पेशेंट हार्म, जो भी पेशेंट्स हार्म होते हैं जहाँ पे हम सेफ्टी नहीं बरतने हैं, जहाँ पे हम प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं, SOP को एडियरेंस नहीं करवा पाते हैं, तो ऐसे केसेस पे ये स्ट्रिक्टली एक्शन लेने की भी बात करते हैं। अगेन आप अगर थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे जो मेडिकेशन विदाउट हार्म है, एज पर द रेस्पॉन्सिबल हेल्थ केयर वर्कर यू अंडरस्टैंड दैट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हार्म, आप अच्छे से जानते हो कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं अगर आप पेशेंट की सेफ्टी से रिलेटेड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ड्यू टू द प्रिवेंटेबल मेडिकेशन एरर, जो कि मेडिकेशन एरर आ सकता है, अनसेफ मेडिकेशन प्रैक्टिस हो सकती है, माई रोल इज प्रिवेंट देम, जो हमारा मेन उद्देश्य है, जो ब्लड पेशेंट सेफ्टी का जो मेन उद्देश्य है वो प्रिवेंटिंग करना है इन सब चीजों को लेकर के। यू ऑल्सो अवेयर अबाउट द योर पेशेंट रोल एंड मेडिकेशन सेफ्टी, यू विल कंपेनियन द कॉज ऑफ द पेशेंट सेफ्टी विद द डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं जो कि आप एजुकेट कर सकते हो, विल एजुकेट योर पेशेंट ऑन देयर रोल टुवर्ड द सेफ मेडिकेशन। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते होंगे जो डिस्चार्ज होकर घर पे चले जाते होंगे, आप अगर उनको राइट एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो राइट टाइम पे राइट मेडिकेशन नहीं लेंगे, जिसकी वजह से उनका हीलिंग प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाएगा। अब जो 14 पॉइंट है जो हमें हम सभी को एज ए हेल्थ वर्कर याद रखने चाहिए और जिससे हम पेशेंट की जो सेफ्टी है उसको एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं, तो वो पहला जो पॉइंट है वो है मेक श्योर प्रॉपर मेडिकेशन हिस्ट्री टू टेकन एंड शेयर विद द क्लिनिकल टीम। आप भी जब भी आप पेशेंट की किसी की कोई हिस्ट्री लें तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि अच्छे वे में, प्रॉपर वे में, डीप वे में उसका हिस्ट्री लें और किसी को दें, जिससे पेशेंट का जो गैप है, ट्रीटमेंट गैप है, वो ना आए, कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जिसकी वजह से पेशेंट को कोई प्रॉब्लम का फेस करना पड़े, राइट। चेक पेशेंट ऑन मेडिकेशन ब्रॉट बाय हिम एट द एडमिशन, हमें ये भी चेक करना है कि पेशेंट ने सेल्फ से कोई मेडिकेशन तो नहीं लिया। हम ऑलवेज पेशेंट का डिस्चार्ज समरी होता है या नहीं होता है, फर्स्ट टाइम आ रहा है तो प्रिस्क्रिप्शन होता है, सब्जेक्टिव डाटा होता है, ऑब्जेक्टिव डेटा होता है, तो जब भी हम ये चीज
पेशेंट की साइड से ले रहे हैं, तो ये हमें पूछना है, देखना है कि कोई पेशेंट सेल्फ से कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं ले रहा है। वी टेकिंग प्रॉपर ड्रग हैंड ओवर ड्यूरिंग द शिफ्ट चेंज और ट्रांजिशन पेशेंट की, जब भी किसी पेशेंट का कोई केयर कर रहे हैं तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि जो भी मेडिकेशन पेशेंट का करंट सिचुएशन में चल रहा है वो कंप्लीटली हम पेशेंट को दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। वेरीफाई द मेडिकेशन, मेडिकेशन को वेरीफाई करना है, राइट। तो उसके बाद में राइट ऑर्डर इन द राइट डोजेस बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन एट द टाइम, जब भी हम पेशेंट की कोई मेडिकेशन देंगे तो वो राइट डोज होना चाहिए और राइट टाइम पे होना चाहिए और राइट ऑर्डर में होना चाहिए, राइट। कंफर्म द पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, जब भी हम कोई मेडिकेशन किसी पेशेंट को देते हैं या देंगे तो हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं कंफर्म पेशेंट का कंफर्मेशन करना है। डोल चेक मेडिकेशन बाय रिसीविंग फ्रॉम द फार्मेसी, जब भी आप या आपका पेशेंट कोई मेडिसिन फार्मेसी से ले रहा है तो डुअल चेक करना है उसका एक्सपायरी डेट और सॉल्ट नेम कि डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है ये वही है और कहीं वो एक्सपायर तो नहीं है, राइट। उसके बाद में फॉलो प्रोटोकॉल्स, जो भी प्रोटोकॉल हैं, जैसे एंटीबायोटिक के प्रोटोकॉल सेपरेट होते हैं, फंगल के अलग होते हैं, कीमो के अलग होते हैं, तो जो भी प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग वो चीज मैनेज की जानी चाहिए, राइट। हाई रिस्क मेडिकेशन प्रोटोकॉल अलग होते हैं, लुक लाइक और लाइक साउंड लाइक मेडिकेशन, जो कि मेडिकेशन एरर का बिग चैलेंजेस होता है, तो हम उसको भी चेक कर सकते हैं। मेक श्योर द राइट डाइल्यूशन इन इन्फ्यूजन रेट, जब भी हम कोई मेडिकेशन देंगे तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि ये मेडिकेशन पर्टिकुलर डाइल्यूटेंट के साथ में, पर्टिकुलर कंसेंट्रेटर के साथ में डाइल्यूशन होनी चाहिए और राइट टाइम, मतलब जो इन्फ्यूजन का टाइम रेट दिया गया है वो उसी टाइम ड्यूरेशन में खत्म होना चाहिए। मॉनिटर द पेशेंट ड्यूरिंग द ड्रग थेरेपी, जब भी हम कोई थेरेपी करें तो उस समय कंटिन्यूसली पेशेंट की मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। मेजर द केस ऑफ, अगर कोई एडवर्स इवेंट होता है तो उसको इमीडिएट रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ये डरे नहीं, कभी भी एडवर्स इवेंट रिपोर्ट करने से डरना नहीं चाहिए। एडवर्स इवेंट जितने ज्यादा रिपोर्ट होते हैं उतना ज्यादा फायदा पेशेंट को, पेशेंट की जो रिसर्च है उस टीम को मिलता है, उस टीम की वजह से एक अच्छा ट्रीटमेंट सामने निकल के आता है जो पेशेंट, जो सारे पेशेंट के लिए काफी हेल्पफुल होता है। मेक श्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर द ड्रग, जब भी आप कोई ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं या पेशेंट को दे रहे हैं तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है उसका। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो वो इलीगल कंडीशन होता है जहाँ पे पेशेंट हमेशा सफर करता है और पेशेंट की हिस्ट्री भी इन फ्यूचर फिर आपको नहीं मिल पाएगी अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अगेन विल फॉलो द प्रोटोकॉल ऑफ रीड बैक एंड कंफर्मेशन फॉर वर्बल ऑर्डर, जब भी आपको कोई वर्बल ऑर्डर मिलता है, जैसे लाइक ओटी में, हमें अगर ओटी में इतना टाइम नहीं होता है कई बार कि हम डॉक्यूमेंट साथ ही साथ करें, तो उस समय हमें वर्बल ऑर्डर मिलते हैं तो उन वर्बल ऑर्डर को कन्फर्म और रिकन्फर्म करने के बाद में, जैसे ही प्रोसीजर खत्म होता है उसके बाद में आपको सारे प्रोटोकॉल फॉलो करना है और उसको डॉक्यूमेंटेड करना है, राइट। मेक श्योर द प्रॉपर स्टॉकिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द यूज्ड ड्रग इन फार्मेसी क्रैश कार्ड, अगर कोई स्टॉक ऐसा है जो हमारा, जिसको हमें रिप्लेसमेंट करना है या डिस्कार्ड करना है, तो वो प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट का जो हमारा सॉरी मेक श्योर द प्रॉपर स्टॉक, जब भी हमारा कोई स्टाफ किसी इमरजेंसी में या आईसीयू में जहाँ पे भी काम कर रहा है तो हमें वहाँ के स्टॉक का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और अगर कोई मेडिसिन हमारा एक्सपायर हो गया है तो उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। अगर वो साल्ट अवेलेबल नहीं है जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग होना चाहिए तो वो भी हमें रिप्लेस कर देना चाहिए। प्रोवाइड प्रॉपर एजुकेशन एंड काउंसलिंग टू द पेशेंट, जब भी हम कोई मेडिकेशन करेंगे तो उससे पहले पेशेंट का एजुकेशन और काउंसलिंग बहुत जरूरी है कि ये किस लिए दे रहे हैं, किस काम आती है और जो भी क्वेरी है पेशेंट की वो हमें उनको सॉल्व कर देना चाहिए। रिपोर्ट एनी एडवर्स इवेंट, जब भी कोई एडवर्स इवेंट होता है तो अगेन हमें उसको रिपोर्ट करना है जिससे हम जो मेडिकल सेफ्टी है उसको इम्प्रूव कर सकें और उस पर एक अच्छा डेटा लेके आ सकें। फाइव गोल्डन मूवमेंट सिक्योरिटी क्या होता है इसके बारे में मैं जल्दी, अगर आप इस पे कम से कम 100 कमेंट्स करते हैं तो मैं इसको शॉर्ट में अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और डिटेल में वीडियो आपके 100 कमेंट्स के बाद में ही शेयर कर पाऊंगा। वर्ल्ड हेल्थ रिकॉर्ड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ड्राइव क्रिएट द हेल्प देयर मेडिकेशन विदाउट हार्म कॉज इट इज कंटेंट अराउंड 5 पॉसिबल की मिनट्स टू 4 स्टॉल द रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। तो इसमें बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना है, स्टार्टिंग अ मेडिकेशन, टेकिंग अ मेडिकेशन, एडिंग अ मेडिकेशन, रिव्यूइंग द मेडिकेशन, स्टॉपिंग अ मेडिकेशन। तो अगर आपके कमेंट 100 से ज्यादा होते हैं तो मैं इनको डिटेल में आपके साथ में बहुत जल्दी
वीडियो शेयर कर दूंगा। अब रही बात, मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि इस सर्टिफिकेट को आप 3 स्टेप में बहुत इजी वे में ले सकते हैं, तो सिंपल सा करना क्या है, आपको जो प्लेस नाउ का ऑप्शन जो दिख रहा है, आपको अगर ये सर्टिफिकेट लेना है इस तरीके का, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा जो प्लेस नाउ का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो दूसरा वेबसाइट खुल जाएगा, राइट। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन भर देना है, नेम क्या है आपका, जेंडर क्या है, कंट्री क्या है आपका, स्टेट क्या है, सिटी और प्लेस क्या है, और पिन कोड क्या है, फोन नंबर क्या है, और ईमेल एड्रेस क्या है, ये सारी डिटेल भरेंगे। तो यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि जो आप फोटो अपलोड करोगे, ये वाला फोटो, जो आप फोटो अपलोड करोगे वो 50 KBPS का होना चाहिए, अदरवाइज वो फोटो सबमिट नहीं होगा और आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। थैंक यू गाइस।